भारतीय जनता पार्टी की सत्तासीन नगर निगम में आज भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दर्जनों की संख्या में भाजपाई नगर निगम में एकत्र हो गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पार्टी के सत्तासीन नगर निगम के प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। घटना के संबंध में भाजपा के शिवाजी नगर मंडल के महामंत्री सूरज कोठारी ने बताया कि नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम शिवाजी नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। जब उन्होंने टीम से बात करने की कोशिश की तो टीम ने शामिल पस्तोर नामक कर्मचारी ने उनका सिर बली से मार दिया। इससे उन्हें चोट आ गई। इसके बाद प्रवर्तन दल द्वारा उनकी मारपीट की जाने लगी। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह से बचाया। आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि 24 घंटे के अंदर दोषी कर्मचारी को अतिक्रमण विरोधी दस्ते से बाहर कर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। उक्त मामले में भाजपा पार्षदों ने भी संबंधितों को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम सूरज कोठारी है, बड़ा गांव गिड़वार का निवासी हूँ, बाहर का पुरा गांव। मेरे घर के बगल में एक कार्य चल रहा था, जहाँ ये लोग पहुँचे, नगर निगम का दस्ता पहुँचा और वहाँ बात जो भी हो रही हो, मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मेरे को लेके सीधा मारने लगे और मुझे कहने लगे ज़्यादा बड़ा नेता बना तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का शिवाजीनगर मंडल से महामंत्री हूँ मैं। फिर आप क्या चाहते हो, कहाँ आए हो आज? आज मैं नगर निगम में आया हूँ नगर आयुक्त से मिलने और उन्हें बताने कि आपके उसमें नगर निगम में ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपने पार्टी के पदाधिकारियों को जानकारी नहीं दी इसकी? मैंने दी है, वो कहते हैं हम आगे की कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम आज जब ही जाएंगे जब इधर से कुछ सोल्यूशन निकले। ऐसे सबके संग होता है। अगर आपकी समस्या का नहीं हो तो क्या करेंगे? कल धरना प्रदर्शन करेंगे हम।